देसी जुगाड़ से सब कुछ संभव है, ऐसा ही कुछ कारनामा हमीरपुर के एक प्रवासी युवक ने करके दिखाया है। प्रवासी युवक पेशे से दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन देसी जुगाड़ करने में महारत हासिल युवक उमेश कुमार ने देसी जुगाड़ से 150 रुपए की लागत से एक दिन में ही वाईफाई ब्लूटूथ डिवाइस तैयार किया है, जो कि ऑनलाइन या बाजार में 500 से 1000 रुपए की कीमत में मिलता है। युवक उमेश कुमार दिहाड़ी मजदूरी करता है और जमा 2 की कमर्स की पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन पेट पालने के लिए अपने साथियों के साथ दिन भर मेहनत करता है। उमेश कुमार के बनाए डिवाइस से दिन भर काम में व्यस्त बाकी मजदूर भी पूरा मनोरंजन करते हैं, तो उमेश की इस तरह से ऐसे कामों में रुचि होने पर जमकर तारीफ करते हैं। यूपी के रहने वाले युवक उमेश कुमार ने बताया कि बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने का शौक रहा है और इसी के चलते पहले माइक ईयरफोन भी खुद ही तैयार किए। उन्होंने बताया कि बाजार में महंगे दामों पर बिक रहे वाईफाई डिवाइस नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए शौक के चलते एक दिन में ही सामान इकट्ठा करके वाईफाई डिवाइस तैयार किया है, जिसे किसी भी मोबाइल फोन से कनेक्ट किया जा सकता है। मैं आपका उमेश। उमेश जी, आपने एक डिवाइस बनाया है, क्या है इससे और कैसे बनाया आपने? सर, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो मार्केट में आपको 500 या 450 का मिल जाएगा। ऐसे ये मैंने आप हैंडमेड बनाया है जो लगभग 150 रुपये के अंदर तैयार किया गया है। कहाँ से लिया सामान इसको बनाने के लिए? इसका सर दुसड़के से लिया मैंने। क्या काम करता है डिवाइस ये? इसमें मतलब आप म्यूजिक वगैरह ब्लूटूथ से और SD कार्ड USB ड्राइव से चला सकते हो। सर, मैं स्टडी करता हूँ, अभी फिलहाल में मैं +2 कॉमर्स में हूँ और अभी मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? UP। साथ में दिहाड़ी मजदूरी भी कर रही हो? जी। कहाँ कहाँ काम किया अभी तक? सर, अभी तो मैंने कोटलू, खंदेड़ा, टौनी देवी और सुजानपुर हर जगह काम कर चुके हैं। बताएंगे इसको बनाने के कितना समय लगा था आपको? सर, इसको बनाने में मेरे को लगभग एक दिन का समय लग गया था और उसके बाद ये आसानी से चल रहा है, अब ठीक ठाक, और इसकी जो बैटरी है वो भी ठीक ठाक ही चलती है। इसके अलावा एक और डिवाइस भी बनाया है इलेक्ट्रॉनिक से? जी। इसके अलावा कुछ और भी तैयार किया है? जी, और भी किए थे मैंने, जैसे दूसरा बार मैंने माइक भी बनाया हुआ था ना, हेडफोन से माइक बनाया था, और भी कई गैजेट्स मैं बनाता रहता हूँ। और कैसे काम करते हैं? सर, ये बैटरी बैकअप जो है आपका, मतलब चलाओगे तो मतलब आधा दिन तो निकाल ही देगा आराम से, फुल स्पीड में किसी भी फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपके तरह लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी करें, क्या कहना चाहोगे उनके लिए आप? जी, इसके लिए कुछ नहीं, बस ऐसे ही झाड़ी लगाओ और साथ में पढ़ो। इसका जो मेन सर्किट है वो ये होता है, ये टूल किट जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो इसका प्राइस होगा कोई 100 या 120 ऐसे मिल जाएगी। उसके बाद मैंने 2 स्पीकर लिए हैं, इनका प्राइस भी 100 रुपये के अंदर अंदर मिल जाते हैं ये, और ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। कोक है ये खाली ना, आप ही तो ये कहीं भी आपको मिल जाएगी। उमेश कुमार के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे अखिलेश ने बताया कि उमेश कुमार ने वाईफाई डिवाइस तैयार किया है, जिससे दिहाड़ी का काम करते वक्त सभी मनोरंजन करते हैं। उन्होंने बताया कि सभी इस डिवाइस को देखकर हैरान हैं। अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, ये जो आपके साथ साथी, इन्होंने एक डिवाइस बनाया हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, इससे मनोरंजन होता रहता है और बंदा बनाता है, ये बड़ा अच्छा लगता है, साथ में दिहाड़ी भी लगा रहे ना, और इसको सुनने से दिन पास हो जाता है टाइम। गौरतलब है कि बाजार में महंगे दामों पर बिक रहे वाईफाई ब्लूटूथ डिवाइस को लोग खरीद कर मनोरंजन करते हैं, लेकिन इस तरह प्रवासी युवक के द्वारा देसी जुगाड़ से बनाए गए डिवाइस को देखकर हर कोई दंग रह जाता है और तारीफ करता है।